हाथरस जिले की सादावा तहसील में चल रही आरा मशीनों पर एसडीएम राजेश कुमार छापामार कार्यवाही किए हैं। एसडीएम के साथ साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी एसके उपाध्याय, डिप्टी रेंजर अखिलेश कुमार, बीट इंचार्ज पप्पू चौधरी, महिपाल सिंह आदि ने जवाहर बाजार स्थित रामलीला ग्राउंड में चल रही गिरी आरा मशीन के अलावा कूपा रोड पर दो आरा मशीनों पर छापेमार कार्रवाई की है। किसी भी आरा मशीन पर प्रतिबंधित लकड़ी नहीं मिली है। यह कार्यवाही उच्च अधिकारियों की शिकायत के बाद की गई है। मशीनें चेक की, क्या मामला है? ये शिकायत है जैसे डीएम सरकोयल पर के जे प्रजातियों की लकड़ी जो है वो आरा मशीनों पर आती है। आम नीम शीशम की पर बरगदी इन सभी पे और वो सब मशीनें इसीलिए चेक की गई है शिकायत के आधार पर, जिसमें कोई भी लकड़ी प्रतिबंध प्रजाति की नहीं पाई गई। जो फूल वगैरह की लकड़ी है वो सभी अभिवहन और सारे फोनों से मुक्त है। वो चुपुर लकड़ी मशीनों पर और हमारे क्षेत्र से बाहर से आती है, जिसको अक्सर हम चेक करते रहते हैं हमारी रेंज से। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।